Hello and welcome to Delhi Express, your one-stop destination for all entertainment news. Well, dosto, Indian Idol ke 13th season mein Diwali special par Neha Kakkar ne दिलाने के लिए बिदिप्ता को ऋषि की माँ से बहुत बड़ा शगुन चली है एक बहुत बड़ी चाल। नेहा ने करवाया बिदिप्ता से ये सबसे बड़ा काम जिसके बाद ऋषि की माँ हो गई पूरे तरीके से बिदिप्ता की दीवानी और दे दिया उन्होंने अयोध्या से आने वाला सास का सबसे बड़ा शगुन अपनी होने वाली बहू के लिए। वेल दोस्तों आपको बता दें बिदिप्ता की हाथों से बहुत बड़ा शगुन करवाया है यहाँ पर नेहा कक्कड़ ने और नेहा ने बहुत बड़ी चाल चली है जिसका सीधा असर ऋषि की माँ पर पड़ने वाला है। वेल क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप ना भूले। वेल दोस्तों बिदिप्ता चक्रवर्ती ने अपने ऑडिशन के दौरान बहुत ही टेस्टी हलवा जजेस को खिलाया था अपने हाथों से बनाकर, लेकिन वीकेंड में यानी कि इस बार के दिवाली स्पेशल सेलिब्रेशन एपिसोड के दौरान हर्ष ने बिदिप्ता की कुकिंग पर उठाए सवाल कि बिदिप्ता ने जरूर अपनी माँ से ये खाना बनवाया होगा लेकिन वो यहाँ पर नाम अपना दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि असल में ये डाउट हर्ष का नहीं बल्कि ऋषि की माँ का था जब उन्हें बताया गया कि बिदिप्ता की कुकिंग बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। वेल ऐसे में आपको बता दें कि बिदिप्ता की कुकिंग पर साफ तौर से ऋषि की माँ ने सवाल उठाया था और उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि कोई लड़की इतना बेहतरीन खाना कभी बना भी सकती है। यही वजह रही कि बिदिप्ता चक्रवर्ती को सबके सामने लाइव हलवा बनाने के लिए कह दिया नेहा कक्कड़ ने, ताकि ऋषि की माँ को भी पता चले कि सच में उनके घर में आने वाली बहू बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कुक है। और दोस्तों बिदिप्ता के हाथ के हलवे को देखकर ऋषि की माँ इतनी खुश हो गई कि शगुन की मिठाई दी है उन्होंने। वेल ये कोई आम प्रसाद नहीं था, ये अयोध्या का खास प्रसाद है जो सास अपनी बहू को दिवाली के मौके पर हर साल देती है और यही प्रसाद इस बार शगुन पर दिया है ऋषि की माँ ने बिदिप्ता को। आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।